किसान विरोधी विधेयक सवालों को लेकर जिला मुख्यालय अनिश्चितकालीन धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, संचालन प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार ने किया। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर बबन कुमार यादव ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है और नया कानून बनने से पूरे देश के किसान साशंकित है। आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन के बाद आवश्यक वस्तुओं के कालाबाजारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आम आदमी को खाने पीने की चीजों पर कुछ खास लोगों का अधिकार हो जाएगा, जिसके चलते देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। सरकार को चाहिए कि ये काले कानून को अविलंब वापस ले, MSP लागू करे, केमिस्ट्री के गारंटी दे। जिलाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा किसान विरोधी रही है। यह बिल कॉरपोरेट घरानों को एवं उनके खास लोगों को लाभ पहुंचाने का मकसद पर है। मकसद किसान कभी वापस लो, किसानों पर खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। बताया जाए किसान जो बिल है उसके खिलाफ आप लोगों ने महाधरना दिया अनिश्चितकालीन। आज बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर किसान आंदोलन के समर्थन में जो बिल भारत सरकार ने लाया और जो कानून बनाया है किसान विरोधी काला कानून के विरोध में, सभी जिला मुख्यालयों पे अनिश्चितकालीन धरना का आरंभ किया गया है। यह आंदोलन निरंतर चलता रहेगा जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाता है। कृषि संशोधन बिल 2020 को सरकार वापस ले और उसको पुनः जो पुरानी व्यवस्था थी APMC की, मंडी की व्यवस्था सरकार तत्काल करे और आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो भारत सरकार ने जो बदलाव लाया है उसके स्टोरेज कैपेसिटी और भंडारण का जो नियम में बदलाव लाया है उसको तुरंत वापस ले। इन सभी मांगों को लेकर के आज से अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया गया। अनिश्चितकालीन महाधरना MSP किसान कानून को लेकर, सबसे पहली बात है कि कानून के पहले भी किसान की स्थिति इतनी बदतर थी तो कोई भी कानून किसी चीज़ की व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं बना जाता है कि और बद से बदतर बनाई जाती है। किसान के का बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग ज्ञान में क्या जाती है, बिहार के किसान फटा धोती है, टूटा हुआ चप्पल है बेचारे। अब उनकी व्यवस्था सुधारने के लिए भी कोई भी चीज़ बनाई जाती है इनके लिए कि और बिगड़ने के लिए, और ये जो कानून है और बिगाड़ेगा, कालाबाजारी बढ़ाएगा, बहुत सारे लूप होल हैं इस कानून में। तो इस कानून को वापस ले, अच्छा कानून बनाए जो कि किसान जो मर रहे हैं उनकी स्थिति में सुधार हो, यही हम लोग की मांग है। अब बताया जाए अनिश्चितकालीन किसानों के लेकर जो महाधरना दिया जाए। आज जन अधिकार पार्टी भोजपुर इकाई के द्वारा अनिश्चितकालीन किसान बिल के खिलाफ धरना दिया गया है। यह धरना हम लोग को लगातार माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के आह्वान पे पूरे बिहार में भी आज किसान विरोध बिल को लेकर धरना दिया गया। यह जब तक आज किसान दर्जनों किसान आज शहीद हो गए, कोई उनको कोई पूछने वाला नहीं है, सरकार पूछने वाली नहीं है। यह बिल सरकार ला रही है जो मुट्ठी भर लोगों के लिए, कॉरपोरेटी घराने के लिए, कि जो मुट्ठी बंध के हम किसान को एक तरह से कैप्चर कर ले और हम अपने मोल भाव देकर किसानों को शोषण करें। जब तक बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसानों को शोषण करने के लिए ये सरकार बिल ला रही है। हम लोग इसको लगातार आंदोलन के तहत, अगर इस अनशन से अनिश्चितकालीन धरना से बात नहीं सरकार मानती है तो लगातार हम लोग अनशन करेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाती, जब तक जन अधिकार पार्टी का लगातार धरना व्रत आंदोलन चलता रहेगा। अब बताया जाए किसान जो कानून पास हुआ है उसको लेकर आज आप लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन महाधरना दे रहे हैं, जी क्या कहेंगे इस महाधरना को लेकर? जी भैया, पूरे प्रदेश में जन अधिकार पार्टी के जिला मुख्यालय पर आज किसान के समर्थन में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। पप्पू यादव के आह्वान पर हमारी मांग है कि किसानों को सम्मान मिलना चाहिए,
किसानों की बात सरकार को माननी चाहिए और कारपोरेट घराने के जो आपने जो सरकार फायदा पहुंचाने के लिए ये काला कानून जो पास की है इसको वापस लिया जाना चाहिए और एमएसपी को गारंटी देना पड़ेगा और क्या बोलते हैं मंडी हाउस लागू हो किसानों के लिए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग किसान के समर्थन में फंक्शन पर बैठे।